ओम नमः शिवाय। नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर आप जल्दी से बता दो वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली हमें लेकर आने हैं बनवाने के लिए। तो अभी वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ जो आप आने वाले 3 और 4 सितंबर को आप यदि आ रहे हो काउंसलिंग कराने बीएचयू में ऑफलाइन, तो ये सब लेकर आए। ध्यान देना कि ये प्रोसीजर एज इट इज जो बहुत पहले कई साल पहले जो बीएचयू में ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करता था, तो उसी तरीके से फॉलो होगा। इसको बहुत रफली मत ले लेना, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सीएसए के थ्रू कि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली आपके यहाँ विजिट करेंगे, तो ये तमाम चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आपको भी चीजें प्रिपेयर करके जानी है। ध्यान देना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। इसमें पहली बात तो बीएचयू का फॉर्म भरा होना चाहिए स्टूडेंट, यानी कि जब सीयूटी का एग्जाम आप दिए तो आपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया होगा, याद है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। या फिर आप स्पॉट ऑन में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है बीएचयू पीसी एप्लीकेशन फॉर्म, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट मैं आज आपको बताऊंगा कैसे सबमिट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि डीडी कैसे बनवाना है, ठीक है। तो किसको आना है किसको नहीं आना है, इसका डिस्कशन हम जो काउंसलिंग वाला पे डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सोशल मीडिया अकाउंट, ध्यान देना है कि इस पे डायरेक्ट कॉल रिसीव नहीं होता है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल रिसीव नहीं होता है, ध्यान देना। कैसे होता है, तो बेसिकली इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर व्हाट्सअप करते हो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ का पेड सब्सक्रिप्शन होता है 50 रुपीज, जो कि 15 दिन के लिए आपका होता है, यानी कि 15 दिन तक आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हो काउंसलिंग वाला के थ्रू, तो आपको पूरा वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ये भीड़ भाड़ से बचने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे नीडी बच्चे होते हैं जो को जिनको सच में काउंसलिंग की जरूरत होती है, और अब 1000 मैसेज आ जाते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता है। तो ध्यान देना है कि इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करते हो आप एक को आप आपको अपने यहाँ पे पूरा चार्ट मिल जाएगा, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया होता है कि आगे क्या करना है, आप उसको फॉलो करोगे। फिर आप एक मिस कॉल मारोगे व्हाट्सअप कॉल पे, मिस कॉल, ठीक है, यानी इस नंबर को सेव कर लिया काउंसलिंग वाला के नाम से। आप जैसे व्हाट्सअप पे हेलो बोलते हो आपको एक पूरा डिटेलिंग मिलेगा, आप उसका पूरा वो प्रोसीजर फॉलो करते हो, फिर आप एक मिस कॉल मारते हो, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स में आपको कॉल बैक जाएगा खुद टीम की तरफ से, और आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगी। इस वीडियो के बायो में एक डिस्क्रिप्शन है पूरा, उसमें हम लोग ने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स को वो फॉलो करना, क्योंकि जो जो फॉर्म मैं अभी बताऊंगा वो सब फॉर्म उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। जैसे कि अटैच्ड फॉर्म बोला गया है लेके जाने के लिए, फ्यूचर में आपको एंटी रैगिंग डोसियर का फॉर्म जरूरत पड़ेगा, तो ये सब फॉर्म कहाँ अवेलेबल होगा, ये सब फॉर्म उसी टेलीग्राम ग्रुप में होगा। और साथ ही साथ कभी कभी कोई चीजें अचानक से इम्प्लीमेंट हो जाती है, बदलाव हो जाते हैं, तो वो बदलाव वीडियो के माध्यम से आप तक ना पहुंचा सकूं मैं, तो ऐसे में टेलीग्राम में डायरेक्टली मैं मेंशन कर दूंगा कि ये चीजें आप लोग फाइनली लेके आओ, और कभी कभी वहां पे मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ बच्चों को अगर किसी का मैसेज आता है, तो प्लीज आप लोग उसको भी फॉलो कर लेना। तो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या क्या है। एक तो हम लोग को 10वीं लेके आना है, ठीक है, 10वीं लेके आना है हम लोग को। दूसरा हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को दूसरा लाना है यूजी, ठीक है, ध्यान देना हम लोग को यूजी लेके आना है। यूजी में 10वीं हो गया, ध्यान देना पहले 12वीं हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं 12वीं, 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ये आप लेके आ रहे हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप यूजी की तरफ जाते हो तो यूजी में क्या करना है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कराएंगे कि सर मेरा तो पूरा क्लियर ही नहीं हुआ है, अभी अपियरिंग है, या मेरे अभी पूरे ग्रेड कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पे इनको 1 2 3 4 कंपलसरी चाहिए, बैक नहीं लगा होना चाहिए, कितना, 1 2 3 4, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर पांचवा छठा अभी स्कूल से नहीं मिला है, यानी कॉलेज से नहीं मिला है, तो आप उसके लिए यहाँ पे आके अंडरटेकिंग दे सकते हो। मैं एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर देना। अगर आपके पास पूरा अवेलेबल है तो आप पूरा का जीरोक्स कॉपी लेकर आओगे, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, जीरोक्स की ही जरूरत है। मैं इसमें बता दूंगा सबका जीरोक्स ही चाहिए, 10वीं 12वीं सब ओरिजिनल नहीं, सब जीरोक्स चाहिए, ठीक है, तो फाइल बना लेना बकायदा। तो यूजी हो गया, समझ गए,
अगर आपकी डिग्री मिल गई तो डिग्री का भी जेरोक्स ले सकते हो, डिग्री नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेड कार्ड इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फोटोज, कितना फोटो लेके चलेंगे हम लोग, हम लोग कम से कम यहाँ पे 5 से 6 फोटो मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक है। आपके पास फोटो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, फोटो ले लेना बढ़िया सा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास जो भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, अब यहाँ पे देखो कई सारा है, जैसे कि कोई पीएच का स्टूडेंट पीएच का फायदा उठाना चाहता है तो आपके पास पीएच का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लेने आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, कोई एससी से आ रहा है एससी होना चाहिए, कोई ओबीसी से आ रहा है ओबीसी होना चाहिए, एसटी से एसटी होना चाहिए, इम्प्लाई वार्ड से आ रहा है तो इम्प्लाई वार्ड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी में मैंने वो हर स्पेशल कैटेगरी की बात की है, यानी कि जो भी आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर ही आओगे मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान देना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप लोग अगर चाहो तो अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, यहीं पे चाहो तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, अगर ये सब है तो आप ले लेना, जेरोक्स कॉपी ले लेना, लेकिन जितना लिखा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएचयू पीजी फॉर्म, ठीक है, बीएचयू पीजी फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई ये पीजी फॉर्म जो है यही ये तय करेगा कि हम सभी लोगों ने बीएचयू में फॉर्म डाला था, तो बीएचयू पीजी फॉर्म या स्पॉट ऑन में जो फॉर्म डाला था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे एक चीज और ऐड कर लेना, मेंशन नहीं है लेकिन आप अपना स्कोर कार्ड, जो सीयूटी का स्कोर कार्ड याद है जो आपका रिजल्ट आया था, वो भी आप ले लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, अगर मिल जाता है तो इंपॉर्टेंट है, उसको भी ले लेना, ठीक है। स्कोर कार्ड, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वहां पे हम लोग स्कोर कार्ड को रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अटैच्ड फॉर्म। ये क्या है, अटैच्ड फॉर्म क्या है भाई, ये वही अटैच्ड फॉर्म है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मॉपअप राउंड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा था उसके नीचे लगा हुआ था। ये फॉर्म टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको आप लोग किसी साइबर से प्रिंट आउट निकलवा लो, और उस फॉर्म को भरने का जो वीडियो है वो मैं कल दे दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे फिलअप करना है, C1, C2, ये सब में कंफ्यूजन भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां डिटेलिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो एक फॉर्म पूरा प्रॉपर वे में भर के स्मार्ट वर्क समझा दूंगा एक फॉर्म को, आप लोग उसी को प्रोसीजर को फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चा यहाँ पे आएगा वो ऑन द स्पॉट उसी दिन एक डीडी लेकर आएगा, ठीक है, ध्यान देना, उसी दिन हमें एक डीडी चाहिए भाई, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, ये बैंक से बनता है, डीडी बनाने का प्रोसीजर अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की, ये सब चीजें आपको लेके आनी है, लेकिन आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट एड ऑन हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा किसमें, उस टेलीग्राम ग्रुप में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें डीडी कैसे बनता है। देखो डीडी परिवार तो बनाना कितने रुपए का है, 1 रुपया ना कम ना 1 रुपया ज्यादा, कितने रुपए का, ये 2000 रुपए का बनेगा भाई, ध्यान देना, ये 2000 रुपए का बनेगा, ये 1 रुपया ना कम ना ज्यादा होना चाहिए, इंडियन रुपीज में 2000 रुपए का होना चाहिए, और ये किसी भी इंडियन बैंक से काम चल सकता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका SBI हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो लीगल होना चाहिए, कोई फ्रॉड या नहीं होना चाहिए, बाकी ये जितने ICICI हैं, HDFC हैं, SBI हैं, ये सब बैंक लीगल है, यहाँ से आप अपना IDD बनवा सकते हो, ठीक है। और ये किसके नाम से बनेगा, तो ध्यान देना, ये होता है टू फेवर ऑफ, एक नाम होता है जो उन्होंने दिया हुआ है, दी रजिस्ट्रार काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेसिकली। तो ये मैंने पता है क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब बैंक के पास जाना बनवाने के लिए तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा उसका वो फोटो ही, आप बेसिकली बैंक को दिखा देना ऐसे कि भाई साहब मुझे, मैनेजर साहब मुझे बेसिकली इस नाम का DD दे दो 2000 रुपए का, तो वो उसी नाम को बकायदा देख लेगा और वही टाइप करके आपको DD बना के दे देगा। तो मैं चाहता हूं, बहुत समय तो शायद वो पेन से बना के देते थे, अब तो मुझे लग रहा है ऐसा ऑनलाइन है, प्रिंट आउट ही करके देंगे, तो वो उसको एज इट इज, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा और वो उसी को प्रिंट आउट करके आपको देंगे, ठीक है। तो 2000 का होना चाहिए, और ये किसके नाम से होना चाहिए, तो ये उस नोटिफिकेशन में गिवन है, दी रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसा ही कुछ होगा, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बैंक मैनेजर को वो दिखा के बनवाना, ठीक है, 2000 रुपए का। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है डीडी वाले मैटर में, क्या है डीडी वाले मैटर में, यहाँ पे ये है कि कुछ बैंक वाले जो होते हैं उसमें जो बनाने वाला होता है, यानी कि मैं डीडी अगर दे रहा हूं अपने डिपार्टमेंट में, तो मेरा भी नाम है कि मेरा नाम नीर दर्शन है, तो नीर दर्शन ये 2000 का डीडी दे रहा है रजिस्ट्रार बीएचयू को, ठीक है। तो कुछ बैंक इसको फॉलो नहीं कर रहे, कुछ बैंक में वो नाम नहीं है, तो ध्यान देना कि या तो बिना नाम का चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसमें आपका नाम नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
या तो आपका नाम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ केसेज में मुझे पता चला, जैसे कि मेरा दोस्त किसी बैंक में है या उसका बैंक में अकाउंट है, तो मैं अपने दोस्त को फोन करके बोल दिया कि भाई 2000 तो मेरा डीडी बनवा दे, तो उस डीडी पे ना मेरा मेरा नाम ना लिख के उसके मेरे दोस्त का नाम है उस पे, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त का नाम है सत्तू, तो उस पे सत्तू का नाम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो मैं आपको, क्योंकि मुझे एक्चुअली उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि डीडी किसके नाम उसमें नाम होना चाहिए कि नहीं, तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर उसमें नाम किसी दूसरे का हो गया तो वो गलत अपने आप लग रहा है मुझे। तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि या तो बिना नाम वाला, क्योंकि डीडी पहले बिना नाम का ही बनता था बेसिकली, तो या तो बिना नाम वाला चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, बैंक आपको बना के दे दिया, आप उसको जाके जमा कर सकते हो, या तो भी नाम है तो आपका नाम होना चाहिए, समझ गए मेरी बात, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और का नाम, क्योंकि ये मुझे लीगली लग रहा है, कहीं के डाउट क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चीज से बचिएगा। अभी समय है, संडे से पहले अपना काम करवा लो डीडी वाला, ठीक है, इसलिए आज फ्राइडे सैटरडे कल तक करवा लो आप लोग, जिसको जिसको आना है ये सब डीडी वाला काम। तो ये हो गया, बाकी ये है हमारा सोशल मीडिया अकाउंट, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं रिसीव होगा, ध्यान देना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं होगा, व्हाट्सअप करते ही आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना, आपको खुद कॉल बैक चला जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग को एक बार फिर से मिला देता हूँ अपने प्रभु से, और आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं चाहूंगा कि आप सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, और सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाओ, अपना अच्छा भविष्य बनाओ, मुस्कुराते रहो, बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान देना है कि जितनी चीजें मैंने डिस्कस किया है ये सभी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है, समय के साथ बदलती रहती हैं, तो बेसिकली ऐसा हो कि आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, अगर कोई अचानक से अपडेट आता है तो मैं वहां पे आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।